जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मास्टर का कोर्स चल रहा है और इसमें हमने काफी कुछ कर चुके हैं, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, और इसके अलावा हमने रिएक्ट वगैरह का बेसिक सब देख लिए थे, हुक्स तो कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा आज जो हमने एक दो मिडलवेयर वगैरह पे काम कर लिया, एक्सप्रेस को देख लिया है, MongoDB की इंस्टॉलेशन वगैरह देख ली थी। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है रिएक्ट के अंदर बगैर MongoDB को यूज किए हुए, रिएक्ट और एक्सप्रेस को यूज करते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, एक टू डू लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इधर जो हमारा फ्रंट पे फोल्डर है, एक फोल्डर बना रहे हैं हम टू डू के नाम से, टू डू लिस्ट। उसके बाद हम इसमें दो फोल्डर और क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रंट एंड और एक सर्वर साइड और एक क्लाइंट साइड दोनों पे काम करना है, और एपीआई की मदद से हमने डेटा को लेके आना है, ठीक है, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, इधर एक को नाम दे देते हैं हम टू डू क्लाइंट और दूसरे फोल्डर को हम नाम दे देंगे टू डू सर्वर। अब टू डू क्लाइंट में हम क्या करने वाले हैं कि टू डू क्लाइंट में सिंपल हम जैसे हमारा पहले प्रोजेक्ट था वही प्रोजेक्ट हम मतलब के रिएक्ट का सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, टू डू का फोल्डर, टू डू लिस्ट, और इधर क्लाइंट्स, क्लाइंट फोल्डर, इधर हमारा क्लाइंट का फोल्डर आ चुका है। अब बेसिक इसमें क्या करेंगे कि हमने सिर्फ npx create React, ठीक है, और आगे माई ऐप कुछ भी उसका नाम दे देते हैं, टू डू, टू डू नाम दे देते, ठीक है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बनना रेडी हो गया, स्टार्ट हो गया। उसके अलावा हम जाते हैं एक और VS कोड को ओपन कर लेते हैं ताकि सर्वर साइड को भी हम अपने सर्वर साइड वाले कोड भी कर सकें, डेस्कटॉप, और इधर सर्वर साइड का फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम सर्वर साइड में करते हैं तो हम उसके अंदर npm इनिशियलाइज करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और npm init माइनस void, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा npm कर देगा और ऐप पैकेज डॉट json के नाम से हमारी एक फाइल बन जाएगी जिसमें हमारे सारे पैकेजेस वगैरह की डिटेल होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ और पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं, तो उसको क्या कर लेंगे हम, कौन कौन से पैकेजेस, एक्सप्रेस, npm एक्सप्रेस इंस्टॉल, एक्सप्रेस कोर्स, कोर्स और बॉडी, और समथिंग, और समथिंग, ठीक है। ये हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, पैकेजेस इंस्टॉल किए तो नोड मॉड्यूल में जितने पैकेजेस हैं वो हमारे नोड होके आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पैकेज ब्लॉक डॉट जेसन की फाइल भी एक बन चुकी है, इसको अगर देखें तो इसके अंदर हमारे जो भी पैकेजेस हैं, बॉडी, पार्सल, कोर्स, एक्सप्रेस वगैरह सारा कुछ इसमें इंस्टॉल होकर आ चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा हम करेंगे उसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारे रिएक्ट का सिंपल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। CD, तो ये हमारा रिएक्ट ऐप बिल्कुल बनके तैयार है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने सर्वर साइड में, सर्वर साइड में काम करने जा रहे हैं, तो ये हमारे क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट है, तो हम जाएंगे सर्वर साइड में, इधर जाके हमने एक बनानी है फाइल बनानी है, उसका नाम हमने क्या कर देना, सर्वर डॉट जी एस फाइल बना ली। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो जितने भी पैकेजेस हमने इसमें इंस्टॉल किए थे वो सारे इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक्सप्रेस, अभी इसमें वैसे हमने एक्सप्रेस डाउनलोड नहीं किया, एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल है इसमें, और कोर्स वगैरह हर चीज इंस्टॉल है, तो जाके इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस हो गया, ठीक। इसमें जो भी हमने एक्सप्रेस का पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया था वो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर। उसके अलावा जो और भी पैकेज, कोर्स वगैरह के पैकेज थे वो भी हम इसमें करेंगे, क्योंकि
ये तो आपको पहले भी बता दिया गया था कि सबसे पहले जितने भी हमने पैकेजेस वगैरह होते हैं उसको ना किसी भी फाइल में यूज से पहले हम क्या करते थे, इसको इम्पोर्ट करते हैं। ये इम्पोर्ट करने का मेथड है, आगे जाके हम मिडलवेयर के थ्रू इसको यूज भी करेंगे, और इसको हम सर्वर को अपने प्रोजेक्ट को किस पोर्ट पे चलाना चाह रहे हैं इसको पोर्ट आईडी भी दे देंगे। हम फर्स्ट के 5000 पे चलाना चाह रहे हैं, अब इनको यूज करेंगे। ये भी बेसिकली पैकेज है जिसकी मदद से मतलब कि ना फ्रंट एंड और बैक एंड में जो एप्लीकेशंस के वगैरह का मूवमेंट होती है ना, मतलब कि जब एपीआई के थ्रू डेटा वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए ही होता है। एक ही एक्सजीएस और एक ही कोर। ये पैकेज वगैरह के लिए आपको सारी डिटेल में दे दी जाएगी, बता दीजिए, चाहे तो उसमें नेट में भी सर्च कर सकते हैं आपको ये पैकेज की किस लिए यूज होते हैं। अभी हम मिडलवेयर यूज कर रहे हैं, अब हमने एक टू डू लिस्ट करेंगे अरे के फॉर्म में। अगर हम ना गेट रिक्वेस्ट पे काम करने जा रहे हैं टू डू लिस्ट के लिए, तो उसके लिए हम कुछ गेट रिक्वेस्ट के लिए हम गेट का पोर्ट करेंगे। जो एचटीटीपी 4 रिक्वेस्ट आपको बताई थी ना, गेट पुट पोस्ट डिलीट वगैरह, ये सारे उस पर हम काम करेंगे कि आज किस तरह से ये काम करती है, इसका पोर्ट किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो गेट के लिए नहीं, डेटाबेस इसमें यूज करने वाले, इसमें बगैर मोंगो डीपी के, मतलब हमारे इसके फ्रंट के ऊपर ही हमारा जो भी हम डेटा टू डू लिस्ट में ऐड करेंगे वो हमारा फ्रंट के ऊपर ही शो होगा। इसमें किसी में मतलब कि कोई किसी डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करेंगे, मोंगो डीपी को हम नहीं इसमें कनेक्ट करेंगे। अरे बेस जितना भी मतलब उसमें डेटा जाएगा वो अरे के फॉर्म में इसमें स्टोर करता जाएगा। तो हम काम किस लिए करने जा रहे हैं, गेट ये हमने एक गेट का मेथड लिख लिया ताकि जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट वगैरह है ये हमारे टू डूज में को गेट गेट कर सके इसमें डेटा वगैरह। उसके बाद जाएंगे हम अपने क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट और इसमें जाके क्लाइंट साइड में हम जाके कुछ क्लाइंट साइड का काम करने वाले हैं। src.app.js ये, हाँ ये शेयर कर दूंगी। सब फिलहाल तो सारा कोड हमें कुछ भी नहीं चाहिए जो फ्रंट पे हमारे शो हो रहा था। सबसे पहले हमें अपने काम कर रहे हैं इधर रिएक्ट को यूज फैक्ट और यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट कर लेना। हाँ, ऐप डॉट जे एस जो मेन डिफॉल्ट है ना इसका, जिसकी वजह से ये हमारा सारा कोड रन हो रहा है। ये जो कहाँ गया, हाँ जी ये जितना भी लोगो हमारा चल रहा है ना ये हाँ इस पे चल रहा है, तो उसी पे हम चाह रहे हैं कि हम अपना कोड लिख लें ऐप डॉट जेएस के, ताकि टू डू लिस्ट के लिए ना इसी पे कोड हम लिखेंगे। हाँ जी, और नहीं रिएक्ट के लिए तो अपना ही एक चीज है ना कि इम्पोर्ट कर लेंगे रिएक्ट को, जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं तो वो खुद ब खुद पैकेज रिएक्ट से रिलेटेड जितने पैकेजेस हैं वो सारा खुद ब खुद ही कर लेती है, उसके लिए तो हम करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ये रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लिया, और साथ ही में इसको परफेक्ट हमने अपनी इस फाइल में इस वक्त क्या कर लिया थे। हाँ जी उसमें भी रिएक्ट इंस्टॉल थी, उसमें जो आपके साथ स्लाइड शेयर की गई ना उसमें एक एक स्टेप दिया गया, उसको डिटेल से पढ़ेंगे ना। हाँ इसमें इस रिएक्ट इंस्टॉल है तो वो लोगों घूम रहा था उधर,
वो सॉल्व किया है। जी इसके अलावा हम एक और पैकेज एक्सियस का इंस्टॉल करने वाले जो हमारी एपीआई वगैरह को करेगा रन इंपोर्ट। लेकिन इस वक्त ये हमारा पैकेज इंस्टॉल नहीं, इस वजह से ये ना एरर दे रहा है। इसको भी फिलहाल कमेंट कर लेते हैं, इसको पास ऐड कर रहे हैं कि जो हमारी जो पोर्ट चलने वाली है वो किस पोर्ट पे, 5000 पोर्ट पे हमारी पोर्ट चलेगी। और जब स्लैश हम टू डूज लिखेंगे तो हमें अपना जो है गेट का व्यू नजर आएगा। तो इसके लिए हमने सर्वर साइड क्लाइंट साइड पे भी HTTP लोकल होस्ट उसका पोर्ट नंबर और प्लस उसका, हाँ जी ये क्लाइंट साइड पे कर रहे हैं। जो सर्वर साइड पे हमने जो पोर्ट इधर सेट की थी पोर्ट नंबर उठा लिया जाके अपने पाथ के अंदर सेट कर दिया लोकल होस्ट 5000 और साथ में स्लैश टू डूज करेंगे तो ये हमारे पाथ हिट हो जाएगा। मतलब जो, हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह इसका टू डू लिस्ट तो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ क्रैड है जो सा ना जो सारा मतलब प्रॉपर एक क्रैड है, फ्रंट एंड वगैरह बैक एंड वगैरह वो आप जो साथ जो शेयर एंड स्लाइड्स उसमें सारा, उसमें सारा प्री डिफाइंड क्रैड बना हुआ है, उसमें सारा कोड हम ग्राफ शेयर किया हुआ है। जो स्लाइड आपके साथ लास्ट शेयर की थी ना, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो वो नेक्स्ट क्लास में उसी को एक्सप्लेन कर देंगे, वो बना के भी दिखाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। वो सर कह रहे थे कि ना ये हमने क्रड से स्टार्ट करने से पहले ना बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स उनको कवर करना, क्रड पे एकदम ही लेके जाना, जैसे एक्सप्रेस वगैरह ये चीज़ें सारी ना हम कवर करेंगे, जिस तरह एक्सप्रेस के मिडल वेयर और राउट वगैरह हमने किए हैं कवर, ताकि सारा कुछ यही यूज हो रहा है। तो पहले से इनका आइडिया थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में पढ़ा दिया। मंगोडीबी ये मे बी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा इंशाल्लाह। चला तो फिर हाँ जी वो अभी स्टार्ट किया, ये सेटअप वगैरह दोनों प्रोजेक्ट्स को कर लिया मैंने ये सर आपने जी। तो ये अभी, हाँ करवा जी बंद चलो ठीक चलो सर वहाँ हमने हमने ये ना दो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक बनाया ये क्लाइंट साइड का और एक बनाया ये सर्वर साइड का, ठीक है। और सर्वर साइड में हमने क्या किया कि हमने इसमें जो पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होने वाले थे वो हमने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर दिए, एनपीएम पे को इनिशियलाइज भी कर दिया। और इसके अलावा जो हमने को एक्सप्रेस कोर्स और बोटी पार्सल वगैरह को हमने इंस्टॉल करना था वो भी हमने इंस्टॉल कर दिया। तो उसके अलावा हमने एक इसमें एक और फाइल बनाई ऐप डॉट जेएस में, ऐप डॉट जेएस में हमने इंपोर्ट किया है इसको एक्सप्रेस को कोर्स को रिक्वायर्स और ऐप एक्सप्रेस को, फिर हमने ऐप के थ्रू इसको यूज में कर रहे हैं और इसका पोर्ट नंबर हमने सेट कर दिया है 5000। और इसमें हमने क्या किया कि हमने ऐप्स के अंदर जो भी डेटा होगा इनको ना मिडल वेयर के थ्रू इसको ना यूज कर रहे हैं, ऐप डॉट यूज जितना भी एक्सप्रेस डॉट जेसन है और कोर्स वगैरह इसको यूज कर रहे हैं। और एक हमने एक अभी गेट का सिर्फ एक राउट बनाया है जिसके जब गेट रिक्वेस्ट को जिस के ऊपर अमल करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया है टू डूज के नाम से, अभी इसके ऊपर हम वर्किंग करने जा रहे हैं सर्वर। और एक हमने क्लाइंट साइड बनाई है उसमें बेसिक रिएक्ट ऐप बना लिया, रिएक्ट ऐप बनाने के बाद उसमें भी कुछ एक्सजेएस वगैरह का इंस्टॉल किया ताकि एपीएस वगैरह पे काम कर सके, एपीएस इस पे रिडायरेक्ट हो सके। अभी हम इसमें कोड करने जा रहे हैं ऐप डॉट जेएस में, कुछ कोड किया हमने, फिर
रिएक्ट वगैरह को इंपोर्ट कर दिया, और यूज केस, यूज स्टेट, यूज ऑफ एटवेयर को इंपोर्ट कर दिया, एक्सजेएस को इंपोर्ट कर लिया, और इसके अलावा तो हमने दो टू यूज स्टेट्स बनाई है जिसके अंदर हमने मतलब इनिशियल स्टेट स्टेट उसकी सेट की है, और इसके अलावा एक यूज अफेक्ट किया है जिसकी मदद से हमने वो राउट जो गेट रिक्वेस्ट के ऊपर अमल करेगा उस राउट्स को हमने यूज किया, और साथ में ट्राई कैच वगैरह लगा के, तो अगर कोई एरर आता है फेचिंग के दौरान तो ये इसको ट्राई कैच करके कर लेगा, मैनेज करेगा। इसके अलावा हमने टू हैंडल करें टू डू रिक्वेस्ट को, तो गेट गेट के लिए ये भी हम बेसिकली एरर को मैनेज करने के लिए, अगर कोई आता है एरर आता है तो वो भी हमें कंसोल में शो करवा दे। हाँ जी हाँ जी, अगर कोई इसमें एरर मतलब कोई गेट रिक्वेस्ट हमारे सही से काम नहीं कर रही या पोस्ट रिक्वेस्ट सही से काम नहीं कर रही, तो हम ये एरर कैच करने के लिए हमने ये कोड लिख रहे हैं, ताकि कोई भी हमें मतलब कि किसी किसी का मसला हो तो ये एरर की स्टेटमेंट हमें शो हो जाए कंसोल में। हाँ जी इसी तरह हम अपने सर्वर साइड में जाके देख लेते हैं। जो सारा काम हमने किस लिए किया है, ये गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी सर हाँ सर किताबें ठीक लिख है, आप भी देंगे पढ़ाइए, इसमें देख लें रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो नहीं हो रही। ठीक है ठीक है ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अगेन। थैंक यू सो मच हसनैन साहब। तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ज़रा वो अपने जहन को रिकॉल करें और थोड़ा सा बेटा तवज्जो करें, जब सारे तवज्जो करें और ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ज़रा तवज्जो से सुन लें। हम अभी क्या चीज़ कर रहे हैं, जैसे आपको इंस्ट्रक्टर ने बताया कि हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं।
आप बताएं, टू डू लिस्ट बना रहे हैं थ्रू एपीआई। एक्चुअली हम एपीआई पे काम करना सीख रहे हैं। एपीआई होती क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास एक एक एप्लीकेशन है पोस्टमैन, याद है पोस्टमैन जी? पोस्टमैन किस पर्पज के लिए काम आता है? एपीआई को टेस्ट करने के लिए काम आता है। अब ये एपीआई होती क्या है, एपीआई बेसिकली थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है वेब बेस्ड, जो कि डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड के अगेंस्ट डिफरेंट रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, पुट के अगेंस्ट, पोस्ट के अगेंस्ट, गेट के अगेंस्ट। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा यूआरएल कौन सा है, हमारा एड्रेस कौन सा है, जिस एड्रेस के अगेंस्ट हमें सर्विसेज मिल रही हैं। यहाँ पर कोई भी एड्रेस हो सकता है, गूगल की कोई एपीआई हो सकती है, व्हाट्सएप की कोई एपीआई हो सकती है, फेसबुक की कोई एपीआई हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर वेब सर्विसेज को हम यहाँ पर रन करते हैं। तो हम कुछ वेब सर्विसेज बना लेते हैं, फिर उन वेब सर्विसेज को हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, अपनी फ्रंट एंड के अंदर। अच्छा, फ्रंट एंड आजकल हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, जिसको हम कोर्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट कोर्स क्या चीज़ होती है, कोर्स का मतलब ये होता है कि आपका जो फ्रंट एंड होता है वो सेपरेट एप्लीकेशन रन हो रही होती है, आपका बैकएंड जो होता है वो एज अ सेपरेट एप्लीकेशन रन हो रही होती है। तो जो बैकअप होता है, जो बैकएंड होता है, उसमें आप कोई भी फ्रंट एंड का काम नहीं करते, आप सिर्फ उसके अंदर क्या बना लेते हैं, बहुत सारी APIs। वो APIs क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पर लॉगिन की कोई API बना लें, जैसे गूगल आपको प्रोवाइड करता है कि आप जौन सी मर्जी आप एप्लीकेशन बनाए, लॉगिन विद गूगल की एक फीचर हम डाल सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, अपनी XYZ ऐप के ऊपर। तो आजकल हम साइन अप दोबारा नहीं बनवाते यूजर से, उस तरह वो पैनिक हो जाता है। तो हम कोई भी मोबाइल ऐप बनाते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम उनको उसको किस किस्म का फीचर इनेबल करवा देते हैं अपनी ऐप के अंदर, कि साइन विद थर्ड पार्टी। मिसाल के तौर पर अगर उसका गूगल का अकाउंट है, तो वो अगर लॉगिन होकर आ जाए गूगल से, तो हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ API, जैसे लॉगिन API है। इस तरह फेसबुक की कोई API जिसमें आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन फैच हो जाती है, लिंक्डइन के अकाउंट की API फैच हो जाती है, इस तरह व्हाट्सएप की आपकी कोई भी मैसेज का थ्रेड आपकी अपनी कस्टम एप्लीकेशन के ऊपर फैच हो जाता है। तो ये जो मैं अभी आपको बात बताने जा रहा हूँ, दिस इज टू टेस्ट योर APIs। अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की APIs हैं, तो आप उसको टेस्ट करके देख सकते हो कि रिस्पॉन्स क्या आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई भी API बना लिखता हूँ, जैसे कि अभी आपके इंस्ट्रक्टर ने एक API बनाई 5000 के ऊपर, अभी हम ये बात नहीं करने जा रहे कि हमने क्या सर्विस देनी है। अभी हमें ये पता है कि हम 5000 के ऊपर हमने कोई API रन करनी है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर API रन करनी है, आपका कोड मुकम्मल, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। मिसाल के तौर पर ये टू डूज हैं, ठीक है, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको राउट बनाने की भी जरूरत नहीं होती, आप जस्ट गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट टू डूज को कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें कि एक टू डूज की अरे है, ये डिक्लेयर कर ली हमने, और हमने नीचे एक फंक्शन बना लिया कोर्स, जैसे मैं बता रहा था कोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए कोर्स की एक लाइब्रेरी यूज होती है, हमने इंक्लूड कर ली। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पर आपकी फ्रंट एंड कहीं और चल रही है, बैक एंड कहीं और चल रही है, तो तब आप कोर स्टैंडर्ड्स यानी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है और उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें हेडर्स की रिक्वेस्ट वगैरह एंटरटेन होती है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर चलती है, ठीक है। तो ये हमें लाइब्रेरी इंक्लूड भी करनी है, जैसे आप अगर ऊपर देखें तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई और ये इंस्टॉल भी हुई होगी। इसी तरह ये देखें यहाँ पर npm install express और course, ये दोनों और body parser, ये तीनों इंस्टॉल हो गए। इसके अलावा हमने इन APIs को कंज्यूम कर लिया, मतलब इन इन लाइब्रेरीज को यूज़ कर लिया app.use की मदद से, जो हमने बना लिया। तो अब हमारी कोर फंक्शनलिटी यहाँ से शुरू होती है कि हम टू डूज का एक क्या बना लेते हैं, एक array बना ली हमने। अब उस array के लिए हम एक API बनाने जा रहे हैं। ये एक API आप किसकी किसकी बना सकते हो, आप पोस्ट मैथड की भी बना सकते हो, पुट मैथड की भी बना सकते हो, डिलीट मैथड की भी बना सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। तो दिस इज API। तो हम सबसे पहले इस API को चेक करेंगे कि ये हमारी पोस्टमैन के ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही, लोकल होस्ट स्लैश 5000। तो मैं यहाँ पर पोस्ट पे लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 5000 और मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए वो कह रहा है कि कनेक्शन एरर रिफ्यूज, इस पर API नहीं चल रही, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी API चलानी पड़ेगी। तो हम इसमें चला लेते हैं npm सॉरी नोड सर्वर डॉट js। अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, मैं इसको वैसे चेक भी कर लेता हूँ कि ये चली है कि नहीं चली।
अभी तक नहीं चली। तो हम एक एप डॉट लिसन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम कि एप डॉट लिसन के अगेंस्ट एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा, हमें इसको पोर्ट पे चेक करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम पोर्ट पे चेक करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर अगर ये लिसन कर रहा है, तो उसके लिए हम कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हम कह देते हैं कि सर्वर इज रनिंग ऑन फलाना पोर्ट। ठीक है, जो भी हम इसमें लिखना चाहें। किस पोर्ट पे चल रहा है जी सर? हमने ऊपर कोई वेरिएबल दिया होगा ना, पोर्ट का वेरिएबल हमने ले लिया। ठीक है, हम पोर्ट का वेरिएबल ले लेते हैं। फिलहाल इसको हम स्टैटिक दे के देखते हैं, अभी वो वैसे ऐसे भी हो जाना चाहिए इसके। तो मैं इसको नोड सर्वर डॉट जी एस इसको दोबारा रन करता हूँ। यस, सर्वर इज रनिंग ऑन 5000 पोर्ट, और मैं यहाँ से इसको चला लेता हूँ। यस, इट रन। ठीक है, बेशक एरर दे रहा है लेकिन ये रन हो गया। उसकी वजह ये है कि अभी मैंने कोई पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट बनाई है कि नहीं बनाई? नहीं बनाई। अगर मैं पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, ऐसे ही बना लेता हूँ जैसे ऊपर गेट टाइप की रिक्वेस्ट बनी हुई, इसी को मैं कह देता हूँ दिस इज पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट, दिस इज पोस्ट। ठीक है, तो अब गेट पे भी एक ही काम हो रहा है, वही काम पोस्ट पे भी हो रहा है। तो मैं इसको सेंड करूंगा तो देखें। अच्छा, मैं इसको रीस्टार्ट भी कर देता हूँ क्योंकि मैंने मॉडिफिकेशन की है, और मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ और मैं सेंड करता हूँ। तो गेट पे मैं देखता हूँ क्या आता है। अच्छा, ये एरर हिट हो गया। ठीक है, ये एरर हिट हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, कैन नॉट गेट, ये सब जो चल गया इसका मतलब। तो कैन नॉट गेट का मतलब ये अभी यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा कि हमने इसके अंदर कोई गेट वाली कोई चीज डाली नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेमी कॉलन्स वगैरह डाल लेते हैं अपने, जो भी एरर्स वगैरह है उनको हम चेक कर लेते हैं। और गेट टू डूज के नाम का हमने एक ऐप बना लिया है, यहाँ पर मैं टू डूज डाल दूंगा। ठीक है, यस दिस वन, यहाँ पर देखें। अब अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे भी जाता हूँ और मैं गेट रिक्वेस्ट पे भी जाता हूँ, तो दोनों चल रहे हैं। और अगर मैं इसमें से पोस्ट को रिमूव कर देता हूँ तो गेट चलेगा, पोस्ट नहीं चलेगा। ये देखिए, ये इसको मैं रीरन करता हूँ। अब मैं पोस्ट पे जा रहा हूँ तो पोस्ट पे मुझे कह रहा है कि कैन नॉट पोस्ट टू डूज, लेकिन अगर मैं गेट पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? अरे चल रही है। तो अभी वेरी सिंपल हमने क्या किया कि एक एक हमने अरे बना ली। ठीक है, खाली अरे है, इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेट्स सी, इसके अंदर मैं नेम डाल देता हूँ। नेम अली मैंने डाल दिया, मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। जी, मैंने गेट रिक्वेस्ट पे एक कुछ स्ट्रिंग्स डाले हैं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये दिस वन, ये एक जेसन बेसिकली ये एक अरे है। मैं कोई भी अरे ले लेता हूँ, लाइक मैं कोई भी अरे पिक कर लेता हूँ, वो मैं भी आपसे दिखाता हूँ।
चलिए कलर की रे ले ली, ये कलर की मैं रे ले लेता, ये मैंने कलर की रे ले ली। पोस्टमैन से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये देखें ये कलर की करे आप। अच्छा अब यहाँ से सिंपली अभी हम फ्रंट एंड पे नहीं गए, अभी हमने क्या किया कि हमने जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि हम एपीआई बिल्ड कर रहे हैं, अभी हमने कौन सी रिक्वेस्ट टाइप ली, हमने गेट रिक्वेस्ट टाइप, हम यहाँ पर पोस्ट पुट डिलीट वट एवर वी वॉन्ट, लेकिन सबके मुख्तलिफ जो है वो अप्रोचेज हो सकती हैं। तो हम चूंकि क्रेड बनाने जा रहे हैं तो क्रेड के अंदर कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से होते हैं, जैसे अपडेट एंड डिलीट और इंसर्ट भी इवन। तो अगर हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो ये अपडेट करवाना चाहते हैं तो तब हम ऐप डॉट पोस्ट करेंगे और उसके लिए हम एक उससे पहले एक फॉर्म बनाएंगे। तो अब जो हमारा अगला फेज है, जो अगला मरला है, वो किस चीज़ का, एक और एप्लीकेशन बनाने का। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि हम एक सेपरेट वेब ऐप बना रहे हैं या कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं, उस मोबाइल ऐप को हम रिएक्ट में डिज़ाइन कर रहे हैं या वेब ऐप को रिएक्ट में डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से वो एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक हमने एप्लीकेशन बनाई, इस ऐप डॉट जी एस में मुझे कौन कौन से फीचर्स चाहिए, लाइक मिसाल के तौर पर मुझे इसमें यूज स्टेट चाहिए, यूज इफेक्ट चाहिए, और मुझे एग्जिस्ट चाहिए। एग्जिस्ट क्या काम करता है, एपीआई को कॉल करता है। मैंने आपको एक और बात बताई कि एपीआई को हमने कॉल करवाना है, तो हम जितनी भी एपीआई को कॉल करवाएंगे हम एग्जिस्ट के साथ करवाएंगे। तो इसमें एग्जिस्ट इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका हुआ है, बिल्कुल हो चुका है, npm install एग्जिस्ट, तो ये इसकी प्री रिक्विजिट है। क्लियर। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल ये कर लेते हैं कि मैं भी काम कर लेता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूँ ताकि बिल्कुल ब्लैंक से किस्म काम कर सके। इसका नाम मैं रख रहा हूँ ऐप वन, यस, और इसको मैं पहले स्टॉप मैंने कर दिया, और ये जो मेरा ऐप डॉट जे एस है इसको मैं रीनेम करके होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। ऐप डॉट जी एस के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए बेटा, तवज्जो करो इधर। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, रिएक्ट और एक्सबीएस, ये चार चीज़ें चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद मुझे जारी पता है मेरी फंक्शन का नाम है ऐप, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लो जी ये मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसको मैंने नीचे से एक्सपोर्ट कर लेना है, यानी एट द एंड ऑफ द फंक्शन। आपने एक्सपोर्ट नहीं किया कोई बात नहीं, तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी। एक्सपोर्ट का पता है स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोगों को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा एक ऐप बन गई। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं वो काम करूँगा कि जिसके थ्रू मे बी एक फॉर्म बन जाए मेरे पास, ठीक है। फॉर्म के थ्रू मैंने डाटा इंसर्ट करवाना, तो रिटर्न, और यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, अच्छा मैंने को सॉरी मैं देखो ये करंट क्यों आ रहा है, शाबाश, ठीक है। रिटर्न एक्चुअली इस तरह से चल रहा है, ठीक है, इसको मैं उसके अंदर डाल, असल में इसमें ना सिस्टम में थोड़ी सी विजिबिलिटी नहीं आ रही, हाँ ठीक है। अच्छा अभी मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ पे इस डिव के अंदर ना मैं H1 मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई टू डू लिस्ट,
ठीक है, और एक मैंने इनपुट बना लिया। अभी फिलहाल इतने को मैं चला के देखता हूँ ताकि हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर रन हो गई है कि नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर ये टैब में जाता हूँ और यस, ये हमने बेसिकली क्या बना लिया, एक छोटा सा फॉर्म बना लिया। अब इसके नीचे में एक बटन बना लेते हैं। बटन का क्या काम होगा जी, यहाँ पे इनपुट के नीचे में क्या बना लेता हूँ, एक बटन। बटन में मैं क्या देता हूँ, सेव। ये देखिए ये सेव आ गया, मतलब मैं जो भी टू डू लिस्ट लिखूंगा क्या होगा, ये सेव करता जाए। अभी मैं बिलफर्स कुछ भी लिख रहा हूँ तो चूंकि मैंने सेव के एक्शन के ऊपर कुछ भी कॉल नहीं किया, कोई एपीआई कॉल नहीं की, मुझे सेव के एक्शन के ऊपर एपीआई कॉल करनी। बट यहाँ पे मुझे एक इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि यहाँ पर इसके नीचे मुझे लिस्ट ऑफ एक्शंस दिखाने हैं जो मैंने टू डू से अंदर डाल दिए हुए ऑलरेडी। तो उसके लिए मैं अपनी यूज स्टेट का इस्तेमाल करूँगा। मिसाल के तौर पर हमारा ये कोड है, मैं यहाँ पर कुछ यूज इफेक्ट्स यूज स्टेट्स बना रहता हूँ। ठीक है, यूज स्टेट बनाता हूँ मैं टू डूज के नाम से। ओके, तो मैं दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक टू डूज के नाम से क्या बनाने जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट बनाने जा रहा हूँ जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, यूज केस। तो मैं इसका एक नाम रख देता हूँ टू डूज, और इसके अंदर मैं एक सेट टू डू कर देता हूँ, सेट टू डूज, और इसको मैं यूज स्टेट डिक्लेयर कर देता हूँ। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये एम्प्टी अरे, ये मेरा एक यूज केस डिफाइन है, यूज स्टेट डिफाइन हो गया। इसी तरह मैं एक और यूज स्टेट बना लेता हूँ और उसका नाम न्यू टू डू रख लेता हूँ। मतलब एक हमारी एग्जिस्टिंग टू डूज है और एक हमारी न्यू टू डूज है। तो इसका मैं नाम रखने जा रहा हूँ न्यू टू डू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट न्यू टू डू, और ये हमारा एक और यूज स्टेट बन गया है। क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग ऑप्शन है तो वो अरे है, ये स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने एक को अरे कह दिया, एक को स्ट्रिंग कह दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, आपको पता ना यूज स्टेट किस पर्पज के लिए काम होता है, यूज होता है ये बेसिकली आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर करने और उसके अंदर वैल्यू सेट कराने के काम आता, याद है ना। तो ये जो यूज स्टेट है इसमें टू डू हमारा वेरिएबल है और सेट टू डू हमारा फंक्शन है जो कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करे। यहाँ तक बात समझ आ गई। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, हमने देखो हमने करना ये है कि इस सेव के ऊपर हमने क्या करना है, हमने टू डू की वैल्यू स्टोर करवानी। तो टू डू की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम इस पे एक काम करेंगे, हम इसको सेव करवाने में भी कर सकते हैं, हम इसको चेंज करवाने में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, लेकिन फंक्शन कॉल करने से पहले हम इसके इनपुट के पैरामीटर्स कुछ डालना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर बच्चे स्क्रीन क्या कह रहे हैं, ओके यार कब से नहीं हो रही, पूछे स्क्रीन अब शेयर हो रही है, हाँ हो रही है। अच्छा बच्चों, जिनकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी थोड़ी देर पहले, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली हमारे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक सर्वर डॉट जे एस, सर्वर डॉट जे एस के अंदर मैंने एक गेट एपीआई बनाई है और उसको मैंने रन कर दिया और उसको मैं पोर्ट नंबर 5000 पे लिसन कर रहा हूँ। जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन है वो हमारा हमारी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, इसका हमने नाम रखा क्लाइंट और टू डू क्लाइंट के नाम से हमने बना लिया। ठीक है, टू डू इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम ऐप डॉट जे एस के अंदर हम असल में एग्जिस को यूज करेंगे और कुछ अपने यूज इफेक्ट्स और यूज केसेस को यूज करते हुए हम
एक हमने फॉर्म बनाने जा रहे हैं, उस फॉर्म के थ्रू हम डाटा स्टोर करवाएंगे। अब लाइक इस फॉर्म के कुछ पैरामीटर्स मैं डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे इसकी इसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, और इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे। अब ये वैल्यू हमारी टू डू होगी, ठीक है, टू डूज। ओके, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम न्यू टू डू, और इसमें हम कोई भी प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर की वैल्यू में रख देते हैं ऐड अ न्यू टू डू, अच्छा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑन चेंज फंक्शन एक कॉल करना है, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू को सेट करवाएंगे। ऑन चेंज इज इक्वल टू एक फंक्शन, और यूज स्टेट को हम सेट करेंगे सेट न्यू टू डू, और उसके अंदर हम ऑन ऑन चेंज कर देंगे सेट न्यू टू डू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसको हम कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं उसे बेसिकली, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर का हिस्सा है। और हम इसी तरह सेव बटन के फंक्शन पे हमें एक फंक्शन चाहिए, ऑन क्लिक वाला फंक्शन, ऑन क्लिक। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम है हैंडल एड टू डू, यानी अभी हमारे पास फंक्शन मौजूद नहीं है, तो हम फंक्शन बनाएंगे हैंडल एड टू डू, ये फंक्शन है हमारा। अभी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस फंक्शन को हम बिल्ड कर लेते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होगा कि हम नई टू डूज को हम ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, एक अरे बनाएंगे उसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम वो एक अरे भी बना लेते हैं, लेकिन वो सर्वर साइड में अरे बनी बनानी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं हैंडल टू डू, अच्छा। उससे हैंडल टू डू से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट फेच करनी पड़ेगी। हाँ, मिसाल के तौर पर हैंडल एड टू डू, और इसका हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी एपी कॉल करनी है, लेकिन हमारे पास एपी नहीं बनी हुई, तो अभी सिर्फ हम इतना कर देते हैं कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को करा लेते हैं, कि हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये ऐड का बटन क्लिक हुआ है। सेव का बटन क्लिक हुआ, चलो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ, और दोबारा मैं इस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ। सेट न्यू टू डू इज नॉट डिफाइंड, यस, अभी हमने डिफाइन नहीं किया इसका, तो हम सेट न्यू टू डू का एक फंक्शन बना रहे थे। एरो फंक्शन बनाएंगे, ये चल गया। अभी हमने एपीआई से कनेक्ट करना है इसको, अभी हमने सिर्फ फ्रंट एंड छोटा सा ये बनाया है, तो इसमें हम कुछ भी लिखेंगे। मैं यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट एलिमेंट में ले जाता हूँ और कंसोल में ले जाता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे जैसे स्ट्रोक प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सेव कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, सेव बटन क्लिक। और अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पे अभी मैंने इस पर क्लिक करना है, मैंने कुछ भी क्लिक किया वो लिखा हुआ आ गया सेट, फिर मैंने दोबारा क्लिक किया, फिर वो दो दफ़ा सेट लिखा हुआ, फिर मैंने फिर क्लिक किया, यानी ऑन
चेंज, जो भी इसमें वैल्यू चेंज हो रही है वो इसमें सेट हो रही है, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेव बटन क्लिक, इसका मतलब हमारे ये दोनों फंक्शन चल गए। ये देखिए, एक हमारा ये ऑन चेंज का फंक्शन चल गया और एक ऑन क्लिक का फंक्शन चल गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इन फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे और इन फंक्शंस में एपीआई को कॉल करेंगे। अच्छा, याद रखिए हमारी एपीआई यहाँ पे पड़ी हुई है, सर्वर डॉट जेएस में हमारी एपीआई पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे कुछ एपीआई कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इन फंक्शंस को मैं थोड़ा सा फंक्शनल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर हम इसको देखते हैं कि ये कैसे कोड होगा। यहाँ पे पढ़ाओ जी। एक छोटा सा कोड स्निपेट मैं ऐड करने जा रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, मैं अब यहाँ से तो एक्चुअली कोड स्निपेट मैं आपको समझा भी देता हूँ कि बेसिकली क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने स्निपेट ऐड किए हुए हैं, रेडी किए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो मैं बता देता हूँ इसे। सबसे पहले देखें, तरतीब आपने समझनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट फेच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ जो एप डॉट जे एस है, इस बटन के नीचे यूएल के अंदर। इसका क्या काम है इसको पहले समझ लें। यूएल के अंदर एल आई में हमें कुछ टू डूज मिल रही हैं, दीज टू डूज आर डिफाइंड इन एन अरे, और उस अरे को हम मैप करते जा रहे हैं और उसकी हम उसको टेक्स्ट में डिफाइन करते जा रहे हैं। अच्छा, टू डूज की जो अरे हैं वो हम डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। दिस वन, ये हम मेमोरी स्टोरेज के अंदर टू डूज की लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं सर्वर के अंदर जाके, विच वन इज विच वन मस्ट बी एम्प्टी एट स्टार्ट। ठीक है, मैंने इसको एम्प्टी कर दिया पहले, इसमें मैंने कुछ ऐड किया था आपको चेक करवाने के लिए। ये मेरी टू डू की अरे भी रेडी हो गई, और ये जो हमने एपीआई बनाई थी गेट टू डूज वाली, कौन सी गेट टू डूज वाली, इसको मैं ऐड करता हूँ। और इस एपीआई को कॉल करता हूँ और ये कोड आपको समझाता हूँ। इट्स नथिंग अ बिग चैलेंज, वैसे मैं आपको इसका तरीका और समझा देता हूँ। एप डॉट जी एस में आए, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। सेट न्यू टू डू अभी मैं निकाल रहा हूँ, चले अभी फिलहाल उसको ऐसे नहीं होता। और यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स में डेटा, और इसी तरह मैं एड टू डू का भी एक फंक्शन बना लेता हूँ। एड टू डू का भी फंक्शन बना, मैं अभी आपको समझाता हूँ, इकट्ठे ही समझाता हूँ। एड टू डू, जी थोड़ा लाउड बोलो बच्चे। आवाज गूंज रही है, कोई बच्चा समझा सकता है? थोड़ा आगे आगे बता दो मुझे। हाँ जी, एक्मा स्क्रिप्ट ही होगा, एक्मा स्क्रिप्ट, टोटल एक्मा स्क्रिप्ट। हाँ, क्योंकि आपको शुरू में ही बात बताई थी कि जो मंथ स्टैक है वो एक्मा स्क्रिप्ट के ऊपर रहना होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए, अभी थोड़ा सा ये फंक्शनल हुआ है, लेकिन मैं आपको उसको कोड वाइज स्टेप बाय स्टेप सारा समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी हमारे पास हैंडल डिलीट टू डू जो है, इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है, वो मैं ऐड कर लेता हूँ।
उसके बाद वन बाई वन में आपको ये प्रोसेस रन करके दिखाऊंगा। ओके, एक फंक्शन रह गया, अभी मुकम्मल कर लेते हैं, चेक नोट कर दिया। आपने जो इसका व्यू नेम चेंज किया ना, मैं उसको दोबारा बनाऊंगा, उसको तो न्यू चेंज करके उसको मिसलाइज कर देगा फाइल, फिर फाइल ऐप और जीएस के नेक्स्ट सकते से इसे भी जुआन कर लेंगे, जुआन कर लेंगे। यहाँ पर ना स्पेस देख लो, सारे ना मिल रहे चले। स्पेस ना दिया करो, इतनी कहीं स्क्रिप्ट फोन फाइल नहीं सही इसके फोन ड्राइव के अंदर हमारा प्रोजेक्ट करो क्या बना रहे हैं। एक्चुअली उस ऐप के कुछ पैकेजेस रिमूव हो गए हैं, आई डोंट थिंक सो कि किस तरह से रिमूव हुआ है, इसलिए मुझे ये दोबारा करना पड़ा है क्योंकि वो पैकेजेस की फाइल नहीं मिल रही उसे।
तो 2 मिनट में हम एक नया फ्रंट एंड बना लेते हैं और उसके बाद उसको हम बैक एंड की APIs को कॉल कर लें। मीनवाइल मैं कोड का स्निपेट उठा लेता हूँ क्योंकि वो लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको 2 फाइलों में सोच के अपने पास अभी सेव करके रखा हूँ। पर ये कोड मुश्किल नहीं है, ये देखने में आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ये शायद मुश्किल कोड है क्योंकि अभी टाइम भी कम है, तो मैं इसलिए इसको 6 भी बज गया इसको अपने पास में सेव कर रहे हैं। ये हमारी है app.js, वहाँ पे रखा था server.js, सर आप सब वहाँ पे रखा था server.js, इसमें फोल्डर में जो टू डू लिस्ट को सर ये वाला है। अच्छा बच्चों, मैं ये करता हूँ कि इसकी पूरी वीडियो बना के ना मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया, तो एक्चुअली मीन वाइल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने इसमें करना क्या है। बस बस कुछ चीज़ें नहीं रन कर रही होती हैं लाइब्रेरी की वजह से, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं, तो बेसिकली इसको थोड़ा मैं आपसे कोड भी शेयर कर देता हूँ क्लासरूम के अंदर, और इसकी एक वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बेसिकली हमने करना कुछ भी नहीं है। मैंने इससे पहले अपने लैपटॉप पर भी ये कोड चलाया था, मेरा 100% कोड चल रहा था। यहाँ पे कुछ सर्वर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो मैं इसका ये कर दूंगा कि सारी APIs जो सर्वर के ऊपर हम बनाएंगे उसका आपको पोस्टमैन पे भी वीडियो बना के दे दूंगा, और उसका कोड भी आपसे शेयर कर दूंगा चलते हुए का। उसको आप लोग अपने सिस्टम पे टेस्ट कर लीजिएगा, और इस तरह की मिलती जुलती असाइनमेंट हम करेंगे फ्यूचर में, आगे जब हम MongoDB को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी इसमें ये हो रहा है कि एक हमने एक सिंपली अरे अरे बनाई है उसकी, यानी अरे मेमोरी एलोकेशन के ऊपर, ये एरर भी मेमोरी का ही आ रहा है। तो मेमोरी एलोकेशन के ऊपर हम जो है ना अरे के इंडेक्सेस स्टोर करवा के अभी हम देख रहे हैं, लेकिन इसको आगे चल के हमने किस पे लेकर जाना है, MongoDB के ऊपर। तो अभी अगर हम MongoDB के अलावा हम Express.js के APIs को समझने के में कामयाब हो जाते हैं तो MongoDB कोई बड़ा काम नहीं है, वो जस्ट जेसन में डाटा को रिस्पॉन्स रिसीव करना और गेट करना और पोस्ट करना, इतना काम। तो इसकी मैं पूरी वीडियो आपको बना के ना इस पर शेयर कर दूंगा आपकी गूगल क्लासरूम में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मीन वाइल के लिए बस थोड़ा सा आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा कि Express.js के जो APIs हैं उनको बनाने का सिंपल सा तरीका है, उसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। 4-5 कोड लाइनें हैं, वो आप जरा उसको देख लीजिएगा। ये देख लें, ये गेट रिक्वेस्ट है जिसमें तमाम टू डूज की लिस्ट मिलेगी जो इस अरे में पड़ी हुई है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है जिसमें आपको पोस्ट रिक्वेस्ट में टू डूज की ऐड होंगी, नई लिस्ट ऐड होंगी। सिंपली टू डूज डॉट पुश का एक फंक्शन कॉल हुआ है जिसमें हम न्यू टू डू जो हम उधर से भेज रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से, वो पुश हो रही है। तीसरी डिलीट में हम क्या कर रहे हैं, डिलीट में हम ID पास करवा रहे हैं और उस ID के अगेंस्ट हम अरे में से फिल्टर करके उस डिलीट को हम फिल्टर के थ्रू जो है ना वो डिलीट करवा देते हैं। ये 3 फंक्शंस हैं जो कि करंट के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो मीन वाइल मैं आपको जो है इसकी पूरी वीडियो बना के भेज देता हूँ इस दौरान, मतलब नेक्स्ट क्लास कब है हमारी, वेंसडे को। तो वेंसडे से पहले इवन मे बी आज रात को ही मैं आपको ये भेज दूंगा, इसको ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो में मैं वॉइस ओवर भी कर दूंगा, थोड़ा सा आपको सारा समझ आ जाए। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसके ज़रा APIs को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।